मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिलने पर रोकने से नाराज भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष अनूप पटेल ने सर्किट हाउस में हंगामा कर दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं को भेड़ बकरी की तरह खदेड़ा जा रहा है। अनूप पटेल राज्यपाल से भेंट करने के लिए सर्किट हाउस के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें यहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। इस पर भाजयुमो अध्यक्ष भड़क गए। उन्होंने कहा, यह कोई तरीका नहीं होता है, प्रोटोकॉल में मेरा नाम है तभी यहाँ आया हूँ, आप लोग किसी को भी धक्का दे रहे हो। युवा मोर्चा 2 मिनट में धरने पर बैठ जाएगा, हेलीपैड पर भी हमें मिलने नहीं दिया गया। जब यह हंगामा चल रहा था तब राज्यपाल सर्किट हाउस में भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भेंट कर रहे थे। नाराजगी जता रहे अनूप पटेल को एडिशनल SP सीमा अलावा ने समझाने का प्रयास किया और कहा कि सभी की राज्यपाल से भेंट कराई जाएगी, थोड़ा इंतजार करो। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नरेंद्र सिंह तोमर अनूप पटेल को अपने साथ अंदर ले गए और राज्यपाल से मुलाकात कराई। सर्किट हाउस में राज्यपाल से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी, वन मंत्री विजय शाह, संस्कृत मंत्री उषा ठाकुर, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक राम दौंगोरे, मानधाता विधायक नारायण पटेल, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा किसान मोर्चा के कैलाश पाटीदार, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अनूप पटेल, भाजपा प्रवक्ता सुनील जैन, मीडिया प्रभारी मंगलेश सिंह तोमर, सह मीडिया प्रभारी श्रृंगी उपाध्याय ने भेंट की। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर यहां पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह भी मौजूद रहे। सर्किट हाउस में राज्यपाल मंगू भाई पटेल 13 मिनट रुके। सेंट्रल स्कूल के पास स्थित हेलीपैड पर राज्यपाल का हेलीकॉप्टर 9:52 पर लैंड हुआ, जहां से राज्यपाल 10:03 पर सर्किट हाउस पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद 10:12 पर जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। इस दौरान जिला अस्पताल की ओर जाने वाले रूट पर ट्रैफिक रोक दिया गया। दादा, अरे नहीं क्या, अरे ऐसा थोड़ी होता है कोई, हम तो सबको प्रोटोकॉल है, नाम ही अभी आ रहा हूँ बेटा। मामा वाली पेट पे इसी नरेंद्र दादा को भी वहाँ चढ़का दिया, वो राज्य मंत्री, हमको भी भगा रहे हो आप लोग। बात वो नहीं है, धक्का धक्की कर रहे हो आप लोग किसी को भी धक्का दे रहे हो। बात मिलवाने की नहीं, धक्का मुक्की कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। सुनिए, युवा मोर्चा भेड़िया आएगा 2 मिनट में फिर। भैया शांति से, इज्जत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा इनको मैनर्स तो होना चाहिए बोलने का। ये कोई मैनर्स है तो चिल्ला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक तरीका होता है मैडम, लेकिन बोलने का कोई हटो, चलो यहाँ से। तो ये क्या कोई बकरी भेड़ थोड़ी है, हम लोग ये बोल रहे हैं, आपके बोलने में हम तो अटी रहे ना। अरे अध्यक्ष जी, 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 अध